यदि दिल्ली के हालात इस तरीके के हैं तो मैं समझता हूं देश के गृह मंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। 13 किलोमीटर दिल्ली ऐसे शहर के अंदर, आप समझ सकते हैं कि दिल्ली के हालात क्या हैं। उनकी पार्टी में तो खैर एक से एक नमूने मिल जाएंगे, इसमें कहीं कोई संदेह की बात नहीं है। एक क्या कहते हैं किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ाता है, एक 2 बजे रात में लड़की को जलाता है रेप करके, पता नहीं कितनी बुराइयां निकालता था बीजेपी में, आज वही बीजेपी का दल्ला बन के बैठा हुआ है। वो उसके भजन गाते हैं। जिस देश का पत्रकार सरकार की दलाली करने लग जाए तो समझ लेना टाइम बुरा आने वाला है देश के लिए। जी आज जो देखा गया है कल जो दिल्ली के अंदर साथ में आरोपी खुद थाने बजा के अरेस्ट हुआ है, क्या कहना चाहेंगे? ये हमारे देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य और शर्मनाक घटना है दिल्ली की, कि एक लड़की को 13 किलोमीटर तक घसीटते हुए ले गया गाड़ी। हर व्यक्ति को पता चल जाता है यदि गाड़ी में कुछ फंस गया हो, कुछ हो गया हो तो पता चल जाता है, और एक लड़की को घसीटते हुए 13 किलोमीटर, ना ही कोई प्रशासन के लोग, ना ही आम आदमी, और ना ही वो पांचों दरिंदे को दया आया और उस लड़की की दर्दनाक मृत्यु हो गई। सारे कपड़े उतर गए शरीर के, शर्म से डूब मरना चाहिए हमारे देश के सिस्टम को, हमारे देश के गृह मंत्रालय को सबसे पहले इस्तीफा दे देना चाहिए। यदि दिल्ली के हालात इस तरीके के हैं तो मैं समझता हूं देश के गृह मंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि दिल्ली में जैसे उस लड़की के साथ हुआ बहुत ही आश्चर्यजनक है। और उस केस के अंदर यदि सरकार के पास कहीं भी मानवता बची हुई है तो उन पांचों दरिंदों को सबसे पहले फांसी पे चढ़ा देना चाहिए। सर मेरा एक सवाल है, देखा जा रहा है जैसे जैसे केस खुल रहा है, सीसी कैमरे फुटेज आ रहे हैं, उस पर धीरे धीरे एक तरह की पोल खुलती जा रही है, जो इसका अहम विक्टिम है वो लड़की जो है, उसके जो दोस्त है वो उसे छोड़ के गई। ये उससे भी शर्मनाक बात है, दोस्त का है कि वो तो उसकी दुश्मन हुई। यदि उसके सामने ऐसी घटना हुई और उसने किसी को नहीं कहा तो ये उससे भी शर्मनाक घटना है, और वो दोस्त कैसे हो सकती है उसकी? दोस्त तो दोस्त के लिए मर मिटने के लिए तैयार होता है। तो दिल्ली सरकार तो कहती है हमने पूरी सुरक्षा करी हुई महिला को लेकर। भाई सुरक्षा होती तो 13 किलोमीटर तक एक लड़की कैसे घसीटती हुई चली जाती? इससे पता चलता है कि दिल्ली में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज ही नहीं है। अगर जगह जगह सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, हर लाल बत्ती के ऊपर एक गाड़ी होती है पुलिस की या पुलिस होता है, और उसके बाद भी 13 किलोमीटर दिल्ली ऐसे शहर के अंदर, आप समझ सकते हैं कि दिल्ली के हालात क्या हैं। पुलिस महकमा अब जागा है, क्यों टाइम कह रहे कि 12 से लेकर स्मैक पी के अभी तक पुलिस प्रशासन सो रहे थे क्या, या चरस पी के? नहीं, उसमें जो क्या नाम पांच थे जिनकी गाड़ी में वो फंसी थी लड़की, जिससे हत्या हुई, जो 12 किलोमीटर तक घसीटते हुए ले गए, वो कहते हैं सारे पदाधिकारी थे भारतीय जनता पार्टी के, उस पर क्या कहेंगे यार? ये भी शर्मनाक बात है ना कि ऐसी पार्टी के लोग हैं, उनकी पार्टी में तो खैर एक से एक नमूने मिल जाएंगे, इसमें कहीं कोई संदेह की बात नहीं है। एक क्या कहते हैं किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ाता है, एक 2 बजे रात में लड़की को जलाता है रेप करके, और क्या कहते हैं दिल्ली में आपने, तो ये तो सारे जितनी घटनाएं हैं कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की उदंडता का और क्या कहते हैं दबंगगिरी इसको कह सकते हैं, या सत्ता का नशा कह सकते हैं। तो मैं देश की जनता से अपील करना चाहता हूं आप लोग के चैनल के माध्यम से, सरकार किसी की चुने सिर्फ 5 साल के लिए चुने, क्योंकि उससे ज्यादा आप किसी को मौका देंगे तो यही घटना आपको मिलेगी देखने को। मैं तो
निर्भया फंड बनाया गया था और निर्भया फंड जो है बहुत बड़े पैमाने पर बनाया गया था, लेकिन उस फंड से राज्य सरकार ने गाड़ियां ले रहे हैं, बंगले ले रहे हैं, लेकिन आए दिन जो ये रेप हो रहे हैं, आए दिन लड़कियों को मारा जा रहा है, वो पैसा उनको नहीं दिया जा रहा। मैं सबसे पहले तो एक बात से आपको बता दूं कि मैं किसी भी सरकार को, चाहे बीजेपी की हो, कांग्रेस की हो, खास तौर से बिन विवाहित को तो प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री कभी नहीं चुनना चाहिए नेता। क्यों भाई, इतनी बड़ी बात कैसे कह रहे हैं आप? आप उसकी जांच करा लो, अगर वो ब्रह्मचारी निकल जाएगा ना तो मुझे उसी दिन फांसी पे चढ़ा देना, उसी दिन फांसी पे देश चढ़ा दे मुझे। मैं तो उसी, आप इन्हीं इस तरीके के डायलॉगों में आप बहुत ज्यादा मशहूर हो रहे हैं, आप बहुत वायरल हो रहे हैं, आप इस तरीके किसी पे भी आरोप। देखिए मनोज, मशहूर होना मेरा कोई मकसद नहीं है, मैं सच्चाई की लड़ाई लड़ने के लिए राजनीतिक दल बनाया हूं। और मैं एक बात आपको दावे से कह सकता हूं कि यदि मेरा लड़का ही क्यों ना अपराधी रहे तो मैं उसको भी सलाखों के पीछे भेजने में देर नहीं करूंगा। ये तो प्रधानमंत्री और जो हैं वो अलग सी बात है। ये तो पहले सारे लोग यही वादे करते हैं कि हम जो है भ्रष्टाचार मिटाएंगे, हम जो आतंकवाद मिटाएंगे, और जब कुर्सी मिल जाती है तो फिर में दही जम जाती है। अब इसके लिए कभी आपको मधुबनी जिले का दौरा करिए और मेरे विचारों के विषय में आम जनता कहेगी जी। कहेगी ये नेता इसलिए नहीं बन सके क्योंकि ये झूठ फरेब नहीं बोलते हैं। कपिल मिश्रा का ट्वीट आया है, उसमें उन्होंने साफ साफ कहा है कि ये जो रेप और जो मर्डर हुई है उसमें केजरीवाल का हाथ है क्योंकि उन्होंने शराब का ठेका खोला। जी जी, एक सेकंड, आपकी बात को मैं समझ गया। ये वही कपिल मिश्रा हैं जो विधानसभा में खड़ा होके नरेंद्र मोदी जी की चरित्र के विषय में पूरी व्याख्या करते हुए इतने बज के इतने मिनट पे ये औरत गई, इतनी देर उसके कमरे में सोई, ये सब कपिल मिश्रा ने ही आरोप लगाए थे ना प्रधानमंत्री पे, प्रधानमंत्री के ऊपर। आज भारतीय जनता पार्टी की गोद में जाके बैठे हुए तो ऐसे व्यक्ति के बातों पे आप विश्वास करेंगे? अरे इसका तो अपना ही कोई चरित्र नहीं है, पता नहीं कितनी बुराइयां निकालता था बीजेपी में, आज वही बीजेपी का दल्ला बन के बैठा हुआ है। क्या करैक्टर है इन नेताओं का? जो आप जो ये शब्द यूज कर रहे हैं क्या आपकी वाणी में सही है? 100% गलत है जो भी वाणी सूट की है, 100% गलत है, लेकिन ऐसे व्यक्तियों के लिए यही वाणी सूट करती है। सर सत्ता में आने के बाद सब कुछ बदल जाता है। ऐसी सत्ता मुझे कभी नहीं चाहिए और ना मैं ऐसा नेता बनना चाहता हूँ। अभी यदि आप लोग, जनता आपको चुन के सत्ता में ले आती है या आपको दिल्ली के अंदर कुछ ऐसा मुझे नहीं चुन सकती ना, यानी आप भी इसी तरीके से व्यवहार रखेंगे जब तक पार्टी तो इसीलिए बनेगी। मैं सबसे बड़ा क्यों नहीं चुन सर? हाँ सर, जब एक देश में जो है चाय वाला प्रधानमंत्री बन सकता है तो आप तो उनसे ज्यादा क्या नाम हुआ है, आप क्यों नहीं प्रधानमंत्री बन सकते? मैं विधायक नहीं बन सकता, क्यों नहीं बन सकता हूँ? क्योंकि लोग 90% गलत काम कराना चाहते हैं। लोगों की बात सुन लीजिए, बात सवाल पूछ रहे तो पूरी बात सुन लीजिए, 90% लोग गलत काम कराना चाहते हैं और गलत के सपोर्टर हैं, इसलिए नहीं मैं बन सकता हूं। सर एक चीज बताइए, कल आम आदमी पार्टी और विधायकों का जो एमसीडी का जो झगड़ा हुआ, क्या चाहती है एमसीडी सर? वो अपना हल्ला सर मैं नहीं बता सकूंगा, उसकी जानकारी मुझे नहीं है क्योंकि घर में शादी है, तो इस कारण से भी मैं दिल्ली आया हुआ हूँ, तो ज्यादा समाचार मैं फॉलो नहीं कर पा रहा हूँ, इसलिए माफी चाहता हूँ। एक चीज पूछना चाहता हूँ, जैसे कि आप बता रहे हैं अरविंद केजरीवाल ने भी पहले यही बोला था, दिल्ली के मुख्यमंत्री ने, मुझे देश का दिल्ली का बेटा हूँ और बेटे के बन के ही बीच में काम करूंगा। जो अब जो लगातार जो हालत दिल्ली के देखने को मिल रहे हैं, सुधार कहीं नहीं मिल रहा, रैन बसेरे धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं, क्या कहना चाहिए? अब बताता हूं मैं, क्या सरकारी अस्पतालों में दवाइयां अब नहीं मिल रही हैं? मिल रही है ना, यही वादा किया था केजरीवाल ने, फ्री का दे रहे हैं ना सरकारी अस्पताल में, कांग्रेस के टाइम में भी मिलता था। दूसरी बात, आपको क्या कहते हैं प्राइवेट स्कूल, ये सरकारी स्कूलों में क्या व्यवस्थाएं खत्म हो गई हैं? है ना, 200 यूनिट बिजली दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं? दे रहे हैं ना, तो जो उन्होंने वादे किए वो पूरे किए। मेरे से निर्वाचन आयोग ने, जब मैं पार्टी रजिस्ट्रेशन कराने गया तो निर्वाचन आयोग ने मेरे से इस बात को कहा
कि देश में पहला व्यक्ति एक ऐसा बना है जिसने जनता से जो वादे किए वो पूरे करके दिखा दिए। मतलब आज आप जो है केजरीवाल सरकार से सहमत है? जब तक सही जनता के लिए काम करता रहेगा तब तक सहमत हूँ, और जिस दिन मुझे लगेगा कि नहीं अब ये गलत ट्रैक पे चल रहा है तो उस दिन इसका भी विरोध करूंगा। तो लगता है मैंने जो देखा गया जो आम आदमी पार्टी के जो विधायक है उनके तो मुकदमे भी दर्ज हो रहे हैं महिला को लेकर। भैया सुनिए, आप पत्रकार महोदय हैं, सुनिए, दिल्ली छोड़ दीजिए, हिंदुस्तान लेवल में किसी भी भाजपा ने, भाई सुन, मैं अभी आप उस बात के जवाब, मैं उसी बात का ही जवाब दे रहा हूँ। मेरे से सवाल जो आप सवाल पूछ रहे हैं मैं उसी का ही जवाब दूंगा। दिल्ली छोड़िए, पूरे हिंदुस्तान में भारतीय जनता पार्टी ने कभी एक भी नेताओं के ऊपर अपने जो उनकी पार्टी में है उनके ऊपर जांच बिठाया है? नहीं बिठाया। आप सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के सपोर्टर बन जाइए तो जितनी भी केस हैं, जितने भी आपके ऊपर दाग हैं, वो सारे आप अगले दिन गंगा जल की तरह पवित्र हो जाएंगे। और उदाहरण आपको महाराष्ट्र का चुनाव देख लीजिए, देखे ना 30,000 करोड़ रुपए का जो वो शरद पवार के ऊपर जो आरोप था उनकी पार्टी में, क्या नाम था उसका, रातों रात हट गया। मैं तो जी एक सवाल और मैं दे रहा हूं आपको, एक मिनट, चीट फंड घोटाला आपको याद है बंगाल का? सर आप सवाल से भटक गए हैं, मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ। अरे भैया मैंने आपके ही सवाल का जवाब दिया है, मैंने ये बोला है। अरे आज वो विधायक, सुनिए मेरी बात, आज तुम्हारा आज वो विधायक, अरे यार इस चीज का मैं नाम बता रहा हूँ, इन पे लगातार मुकदमे जो दर्ज हो रहे हैं भाई, मुकदमे दर्ज, आप बात नहीं समझ रहे हैं। अगर ये आज भारतीय जनता पार्टी के सदस्य बन जाए और केजरीवाल के खिलाफ खड़े हो जाएं तो सारे दूध की तरह गंगा जल की तरह पवित्र हो जाएंगे। सर 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 मेरा एक सवाल है, सोनमान भारती जो उनकी मिसिस ने उनके ऊपर एफआईआर दर्ज कराई थी, वो तो किसी पार्टी से बिलोंग तो करती नहीं, वो सीधे उसकी घर के, यार अब उसके घर में मैं देखने नहीं जा रहा हूँ कि क्या हो रहा है। आपको होता आपको बीजेपी के खिलाफ है या मोदी जी के खिलाफ है? ना मैं बीजेपी के खिलाफ हूँ ना मैं मोदी के खिलाफ हूँ। जो ये जुमले छोड़ते हैं मैं इसके खिलाफ हूँ, जो देश की जनता को मूर्ख बनाते हैं मैं इसके खिलाफ हूँ। मेरे क्या रिश्तेदार लगने का, जमीन जत्था का बंटवारा हो रहा है मेरे साथ क्या, मोदी का और भारतीय जनता पार्टी का जो मैं लड़ रहा हूँ उसके साथ? जो भी योजना लेके आते उसी का विरोध करते हैं आप? कौन सी योजना ले आए? कौन सी योजना है बताइए? 15 लाख रुपए की योजना थी, वो गड़बड़ थी क्या? आपके खाते में आए क्या? आपके खाते में आए क्या? आश्वासन तो मिला ना सर। बस इसी चीज का तो विरोधी हूँ मैं, इसी चीज का तो विरोधी हूँ कि आप जुमले मत छोड़ो, जितना आपसे संभव है काम करने का उतना ही आप वादे करो और जनता में सीना ठोक के जाओ। आज दुनिया का इकलौता प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी है जो 8 साल के अंदर आपको एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया। क्यों नहीं किया है? कहीं कोई मीडिया मेरे सवाल का उत्तर न दे दे और पकड़ न ले। आप जनता से कहां जुड़ते हैं? आप अपने चार जो है आपके वो चमचे जो है पार्टी के उसको आप एक ऑफिस में बिठा देते हैं और उसको मन की बात सुनाते हैं। आप प्रशंसा करते हैं हमारी गिनती मीडिया में नहीं है, आप भी एक मीडिया है और अच्छे एक पत्रकार, ईमानदार पत्रकार हैं। जितने चोर उचक्के पत्रकार हैं वो उसके भजन गाते हैं। जिस देश का पत्रकार सरकार की दलाली करने लग जाए तो समझ लेना टाइम बुरा आने वाला है देश के लिए। माता जी की मृत्यु भी तो नंगे पैर है, क्या देश खाना चाहते थे सर? कौन? मोदी जी। भैया मोदी जी ही सिर्फ नंगे पैर जाते हैं कि देश का एक एक नागरिक पैदल जाता है यदि उसके घर में कोई ऐसी चीज हो जाए तो? सर वो माता जी का बहुत आशीर्वाद लिया उन्होंने और आप माता जी चल। भैया दुनिया के इकलौते प्रधानमंत्री हैं जो कैमरा लेके ही कहीं जाते हैं। अगर माँ के पास गए हैं मिलने तो बिना कैमरे के नहीं गए हैं, अगर माँ का आशीर्वाद लिया है तो कैमरे के साथ, और माँ को जलाने गए हैं तो कैमरे के साथ। और यदि उस दिन की घटना आप याद करें तो वो जिस दिन माता उनकी स्वर्गवास हुई
उस दिन मोदी का दिन नहीं था, उसके बड़े भाई का दिन था, उसके घर परिवार का दिन था, और देश की मीडिया दिखा क्या रही थी, मोदी जी को। अरे हमारे सनातन धर्म में आग देने का रिवाज बड़े का और छोटे का है, तो उसको दिखाना चाहिए था, उस पर विचार होने चाहिए थे। और ये तो बीच का लटका हुआ व्यक्ति है, क्या काबिल बेटा है तो वो भी कर सकता है, ये हमारे सनातन धर्म में है ही नहीं कहीं। सर मेरा एक सवाल है, जैसे अभी आपने ही बताया ये काबिल बेटा ही माँ का जेवर चुरा के भागा था ना, सर फिर आप ऐसे इल्जाम लगा रहे हैं। मैं काहे के लिए इल्जाम लगाऊंगा, जेल जाने से नहीं डरते क्या? अरे मैं मरने से नहीं डरता, आप जेल की क्या बात कर रहे हैं। एक सवाल है, जैसे कि अभी आपने बोला देश का प्रधानमंत्री गया, आगे से जो जितने भी देश के प्रधानमंत्री बने हैं वो इस तरह से अपनी माँ के पास गए मिलने के लिए, या ऐसी योजना करी इन्होंने? इससे इसको योजना क्या होती है भाई, ये कौन सी योजना करे हैं, माँ के लिए क्या योजना है? बाकी देश के प्रधानमंत्री जो है पूरे जनता से बैठ के बात तो करते हैं, रूबरू होकर बात तो करते हैं। किस जनता से करते? अच्छा मन की बात से कभी पेट नहीं भरता है, मन की बात से कभी पेट नहीं भरता है भाई। मोदी जी मन की बात से अगर देश चलने लगे तो सब मन की बात से ही सारा काम चला लेगा। नहीं, वो कहने का मतलब ये है, मोदी जी अपने मन की बात करते हैं, कभी वो जनता के भी मन की बात सुने, उस पर कुछ कहें? भैया जनता के काम करने की मोदी के बस में ही नहीं है, तो सुनेगा क्यों जनता की? जी वो देश के प्रधानमंत्री, उनके पास भैया वो देश के प्रधानमंत्री नहीं है, वो भाजपा के प्रधानमंत्री हैं। अगर देश के प्रधानमंत्री होते तो देश के लिए सोचते। मोदी जी जहां भी जाते हैं भारतीय जनता पार्टी का एक बिल्ला लगा के जाते हैं कमल छाप का, तो खुद कहते हैं कि मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रधानमंत्री हूँ। और मोदी जी जितने भी काम किए हैं, जितनी भी योजनाएं हैं, वो देश में सिर्फ अडानी और मुकेश अंबानी के लिए है। आप कहने का मतलब जो है इन्हीं उद्योगपतियों के लिए मोदी जी काम करते, देश के उद्योगपतियों के लिए कोई काम नहीं करते? देखिए वैसे नहीं कहना चाहिए, कह रहा हूँ एक बहुत कड़वी बात, देश को बेचने वाला गुजराती, देश को खरीदने वाला गुजराती, देश का बैंक का पैसा लूट के भागने वाला गुजराती, फिर भी लोग देश को तरक्की कर रहा है ना। अरे यार ऐसी सरकार तो कोई अगर अंधे व्यक्ति को भी धृतराष्ट्र ने भी देश ही चलाया था, कैसा चलाया था देखे ना, तो बस ये उससे भी गया गुजरात, धृतराष्ट्र बैठ गया हमारे देश में।